हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि कैप राउंड में अच्छा कॉलेज आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या क्या करना जरूरी है, जैसे कि हाउ टू गेट बेस्ट कॉलेज इन कैप राउंड। तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपके लिए आसान हिंदी में लाता रहता हूं। और चलिए देखते हैं कि आपको कैप राउंड में अच्छा कॉलेज कैसे मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एडमिशन प्रोसेस। अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो सबसे पहले आपको जो है जो एडमिशन प्रोसेस होता है कैप का, तो उसे समझना जरूरी है कि उसमें कौन कौन सी चीजें होती है, वो कैसे काम करता है, ये एडमिशन प्रोसेस आखिर होती कैसी है। तो अगर आपको जो पता नहीं है तो आप मेरा वीडियो भी देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, चैनल पे जाके आप देख सकते हो, या मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी जाके आप देख सकते हो। और उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ से भी मुझे पूछ सकते हो। तो सबसे पहला जरूरी काम आपको यही है कि आपको जो एडमिशन प्रोसेस कैसी होती है इसे समझ लेना है। उसके बाद आता है कि रिसर्च एंड प्रिपरेशन। देखिए, अब आपने एडमिशन प्रोसेस तो समझ लिया, उसके बाद आपको रिसर्च करनी है, बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में जानना है, कौन से कॉलेज कहाँ पे, उनका जो नैक ग्रेड होता है, एक कैसा है, उसके बाद उसकी जो फीचर्स है, फैसिलिटीज है, सारी चीज आपको इनकी वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हो, घर बैठे बैठे भी आप ये रिसर्च कर सकते हो, आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं। आप इनकी वेबसाइट हो गई या कोई कुछ और चैनल भी जो रिव्यू वगैरह करते हैं यूट्यूब पे, तो वहां से भी जाके आप देख सकते हो। उसके बाद आता है सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। देखिए, अब क्या होता है कि सभी बच्चों को जो है अच्छे से अच्छा कॉलेज चाहिए, बेस्ट कॉलेज चाहिए होता है, बट ऐसा होता नहीं है कि हर किसी को बेस्ट ही कॉलेज मिलेगा। कुछ बच्चों को जो बेस्ट नहीं मिलता, कुछ ही बच्चे जो होते हैं उन्हें अच्छा कॉलेज मिलता है। देखिए, आपको जो आपके परसेंटेज जितने हैं उसी हिसाब से जो आपको कॉलेज डालने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो परसेंटेज काफी कम है और आप जो है COEP जैसे कॉलेज डाल रहे हो ऑप्शन फॉर्म में, तो पता नहीं आपको लगेगा भी या नहीं, क्योंकि COEP जैसे कॉलेज जो काफी इनका कट ऑफ हाई जाता है। तो आपको जो है रियलिस्टिक अप्रोच लेनी, जहाँ पे आपके मार्क जो है, आपकी जो परसेंटेज है उसके हिसाब से आपको जो है कॉलेज सिलेक्ट करना है, मतलब जहाँ पे आपका जो है नंबर लग सके। कुछ भी आपको जो है कॉलेज वहाँ पे डालने नहीं, जैसे कि मान लो कि किसी को 70% है और वो डाल रहा है जैसे VJTI हो गया, COEP हो गया, तो ये कॉलेज उसे लगने ही नहीं। अगर उसे लगने ही नहीं है ये कॉलेज इसके परसेंटेज के हिसाब से, तो वो डालने का कोई फायदा ही नहीं है, इसका मतलब ही नहीं बनता। तो इसीलिए आपको जो है रियलिस्टिक रहना है। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई प्रीफर्ड कॉलेज। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि आपको रिसर्च करनी है, आपके आजू बाजू जो भी कॉलेज होंगे, आपको जहाँ पे एडमिशन लेना है वहाँ पे आपको पूरे कॉलेज के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकालनी है, उनके जो नैक ग्रेड वगैरह होते हैं, हॉस्टल वगैरह जो डिटेल्स होती है वो सारी आपको यहाँ पे निकाल के रखनी, जैसे कि सीट्स, इसके कट ऑफ्स वगैरह जो होते हैं सारी आपको जो है यहाँ पे निकालनी है। जैसे कि मैंने कहा कट ऑफ, तो देखिए एनालाइज भी करना है उस कट ऑफ को, सिर्फ निकालना नहीं है कि कट ऑफ कितने, एनालाइज करना है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ था, कौन सी ब्रांच के लिए कितना कट ऑफ था, ये सारा आपको एनालाइज करना है। और उसके बाद जाके जो आपको यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म के लिए जो कॉलेज का नाम होता है वो डालना पड़ता है। उसके बाद देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफी बच्चे जो है मिस करते हैं, और इनका कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को कैप राउंड से बाहर जाना पड़ता है, जो कैप राउंड है उसे उनमें नहीं पार्टिसिपेट कर पाते। क्योंकि देखिए, यहाँ पे 2 या 3 राउंड होते हैं ऑप्शन फॉर्म में कैप राउंड के। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1 या 2 ही कॉलेज के नाम डालते हैं ऑप्शन फॉर्म जो होता है वहाँ पे, 1 या 2 ज्यादा से ज्यादा 5 कॉलेज के नाम डालते हैं। उससे क्या होता है कि मान लो पहले कैप राउंड में उसे कोई कॉलेज नहीं लगा, मान लो कि इसमें से 2-3 ही कॉलेज डाले थे और उसमें से कोई भी कॉलेज इसे नहीं लगा, तो नेक्स्ट राउंड में वो तो जा सकता है, पर क्या होता है कि नेक्स्ट राउंड में काफी ज्यादा सीट जो फुल हो जाती है, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि नेक्स्ट राउंड में जाके अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन यही है कि जब आप पहले राउंड के लिए जो एक ऑप्शन फॉर्म भरोगे, कॉलेज के नाम डालोगे, उसमें कम से कम 20 नाम डालना है। वैसे तो आपको जो है 300 कॉलेज तक आप वहाँ पे डाल सकते हो, 300 कॉलेज आप डाल सकते हो, पर मेरे हिसाब से आपको
कम से कम 20 कॉलेज तो डालने ही है वहाँ पे ऑप्शन फॉर्म में। मान लो कि क्या होगा कि पहले इसमें अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला ऊपर का, पर जो आपने 20 कॉलेज डाले होते थे नीचे में से कोई भी एक तो कॉलेज लगेगा, तो उसमें से अगर आपको क्या होगा वहाँ पे एडमिशन नहीं भी लेना था, आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। बेटरमेंट के लिए नेक्स्ट राउंड में आप जाओगे, नेक्स्ट राउंड में अगर अच्छा कॉलेज मिला तो सही है, नहीं तो ये पहले राउंड का कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा, अच्छा थोड़ा बहुत चल जाएगा, पर आपके हाथ में बैकअप रहेगा। पहले राउंड का कॉलेज जो है आपके लिए बैकअप का काम करेगा, तो इसलिए आपको जो बैकअप का ऑप्शन भी आपको जो है यहाँ पे रखना है। उसके बाद आता है प्रीपेयर प्रायोरिटी लिस्ट। देखिए जहाँ पे आप जो है कॉलेज के नाम डालते हो ऑप्शन फॉर्म के लिए, तो वहाँ पे जो है प्रायोरिटी देनी है, मतलब सबसे अच्छा कॉलेज होगा तो वो 1 नंबर पे डालना है, उसके बाद दूसरा अच्छा कॉलेज 2 नंबर पे। इस तरह से आपको जो है प्रायोरिटी देनी पड़ती है, मतलब आपको जो है सबसे अच्छे कॉलेज जो है ऊपर की तरफ रखने और जो कम अच्छे उन्हें नीचे की तरफ रखना है, तो प्रायोरिटी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। आप इसके लिए एक काम कर सकते हो, आप पेन और पेन से पेपर पे भी लिख सकते हो कि प्रायोरिटी में आपको सबसे पहला कॉलेज कौन सा चाहिए, दूसरा कौन सा चाहिए, तीसरा कौन सा चाहिए, और जब आप ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए जाओगे तब वो पेपर भी साथ में लेके जा सकते हो और वहाँ पे ये दिखा सकते हो। उसके बाद आता है देखिए स्टे मोटिव अपडेटेड विथ इंफॉर्मेशन। देखिए आपको क्या करना है कि ऑप्शन फॉर्म वगैरह भरने के बाद ये सारी चीजें आपको अपडेटेड रहना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें चलती रहती है, तो आपको जो है सारी इंफॉर्मेशन पता रहनी चाहिए। इसके लिए आपको अपडेटेड रहना है, कोई न्यूज आए तो आप उसे देखना। उसके बाद यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल जो मिनटों मिनटों की अपडेट देते रहते, तो आप वहां से भी जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आपको जो है फोकस रहना, देखिए टेंशन नहीं लेना है आपको, बस जो है अच्छे तरीके से जो आपको जहाँ पे एडमिशन लेना है उन कॉलेज के नाम निकालने हैं, उसके बाद उन्हें जो है अपने हिसाब से लिख देना है, प्रायोरिटी देनी, मतलब 1 नंबर पे कौन सा, 2 नंबर पे कौन सा, 3 नंबर पे कौन सा, ऐसे लिस्ट बना के रखनी। और कुछ नहीं, कम से कम 20 कॉलेज निकाल लीजिए ऐसे लिस्ट और उसे डाल दीजिए, जो भी आपको जहाँ पे एडमिशन मिलेगा उसे ले लीजिए। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का यहाँ पे, सिर्फ फोकस रहना और मोटिवेटेड रहना कि आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। बस यहाँ पे यही दिक्कत है कि आपको जो है जब आप रिसर्च करोगे तो कॉलेज ऐसे निकालो कि जहाँ पे आप जाओगे, मतलब अगर आप उस कॉलेज में से किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो आप जाओगे। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मान लो कि कोई बच्चा जो है सांगली का है, जैसे कि कोई सांगली का बच्चा है, अब क्या करता है वो पुणे के कॉलेज डालता है, मुंबई के कॉलेज डालता है, कुछ कोल्हापुर के हो गए, कुछ सोलापुर के हो गए। अब देखिए यहाँ पे आप डाल तो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ये बच्चा मुंबई में नहीं रह सकता, मान लो कि उसे मुंबई का कॉलेज मिल गया और बच्चों को बाद में पता चला कि वहां पे मैं नहीं रह सकता, तो क्या होगा कि इसका जो ईयर है मतलब 1 साल इसका बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप जहाँ पे एडमिशन ले सकोगे, मान लो कि अगर ये सांगली का ये पुणे में ले सकता है तो पुणे के कॉलेज और सांगली के कॉलेज ये डाल सकता है, बट इसके अलावा दूसरी सिटी के कॉलेज मत डालो, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप वहाँ पे नहीं रह पाओगे तो आपका जो है साल बर्बाद हो सकता है, 1 साल आपका वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको जो है जहाँ पे आप एडमिशन ले पाओगे रह पाओगे उसी सिटी में आपको जो है वहाँ पे कॉलेज रिसर्च करने हैं, दूसरे कॉलेज के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। और आपको इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम डाउट होगा, कोई भी डाउट होगा या सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको हमेशा रिप्लाई देता हूँ, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको आसान भाषा में पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा।